चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करना है। ऑनलाइन शुरू हो चुका है, 2 दिन पहले से हुआ है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो वीडियो पूरा देख सकते हो, या फिर आप किसी अदर्स डिस्ट्रिक्ट से हो तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि प्रोसेस जो है सेम होगा। काफ़ी सारी जानकारी देंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि अगर आप एक सीएससी वैल्यू सीएससी आईडी से अप्लाई करोगे किसी भी फार्मर के लिए फसल बीमा करोगे, तो उसमें आपको 28 रुपया कमीशन मिलेगा सीएससी की तरफ से। लॉगिन करने के लिए आप दोनों जगह से लॉगिन कर सकते हो। आप डायरेक्ट डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कीजिए, फिर वहाँ फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर्च कीजिए, वहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि अभी डिजिटल सेवा लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ आके लॉगिन करेंगे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है। यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर आइएगा, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एनरोलमेंट पार्टनर, यहाँ पर आओगे। यहाँ पर देखो सीएससी का ऑप्शन है, सीएससी यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए .gov.in के बाद आप स्लैश देके सीएससी लॉगिन लिखोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर ये सीएससी का लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ सीएससी कनेक्ट में क्लिक करोगे, आपका जो भी सीएससी का आईडी पासवर्ड होगा वो डालोगे, कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे। जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर लॉगिन पेज खुल जाएगा। थोड़ा देर वेट करते हैं, शायद मेरा नेट स्लो होगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हो वो अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, जैसे हम झारखंड से तो झारखंड सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2024 झारखंड का यहाँ आ गया, 2024 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस वाले बॉक्स में टिक करोगे, सबमिट में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा। ये ब्लैंक पेज रहेगा, लेकिन ऊपर में ध्यान देखो एक एप्लीकेशन एक डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड वाला ऑप्शन बाद में समझा देंगे, पहले एप्लीकेशन में जाएंगे। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पहले ये 6 ऑप्शन जानते हैं फिर आगे आपको बताते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म, अगर नया आवेदन करना चाहते हो, नया बीमा करना चाहते हो तो यहाँ पर जाओगे। पेड, जो पेड हो जाता है सीएससी की तरफ से, जो वॉलेट से बैलेंस करता है, शायद झारखंड से 1 रुपया कटेगा, वो देख लेंगे आगे चल के। यहाँ पेड वाला शो करेगा जितना पेड हो चुका है, अनपेड जिसका आधा अधूरा काम करके रखोगे वो यहाँ पर शो करेगा, जो अनपेड रहेगा जो वापस करेगा। मान लो सब कुछ आपने कर दिया, सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, फिर वो उधर से वापस कर दिया, रिवेटेड कर दिया, वो यहाँ पर शो करेगा। जो अप्रूव हो गया है वो यहाँ पर शो करेगा, जो रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। जो वापस कर देगा उसे आप सुधार कर सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बता सकता है, या फिर कुछ नाम चेंजिंग वगैरह कुछ मिसमैच वगैरह हुआ होगा तो वो केस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अभी नया करेंगे। तो नया करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका झारखंड आ जाएगा, खरीफ आ जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया गया है सर्च करने के लिए। पहला तो आप अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके बैंक कौन सा बैंक में खाता है वो सेलेक्ट करके खाता नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्ट होगा यस में क्लिक करो और अपना आईपीसी कोड डालो, जैसे कि अभी हम आपको दिखा देते हैं VIN। यहाँ जैसे डालोगे आपका आईपीसी कोड या कस्टमर का जो भी आया है फसल बीमा योजना करने के लिए उसका आईपीसी कोड डालोगे, उसका पासबुक का, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आएगा कि ये कौन सा बैंक का आईपीसी कोड है। ये झारखंड का है, दुमका डिस्ट्रिक्ट का है, और स्टेट बैंक का है, और ब्रांच का नाम भी आ जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट, और यहाँ अकाउंट नंबर देना है, या फार्मर का जो भी अकाउंट नंबर है वो डालना है, फिर री एंटर करना है और कुछ नहीं करना है। आपको चेक बैंक डिटेल्स में कंटिन्यू क्लिक करना है। याद रखोगे अकाउंट नंबर सिंगल होना चाहिए, सिंगल नाम पे ज्वाइन खाता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हमें डाल देते हैं। जैसे अकाउंट नंबर डालोगे आप, चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो ये इस बैंक अकाउंट का नाम वगैरह सब कुछ लेके आ जाएगा कि ये अकाउंट किसके नाम पे है, आधार नंबर कौन सा लिंक है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक फेच करके ले आएगा। नीचे आओगे, यहाँ पर देखिए नाम आ गया, आधार नंबर भी आ गया, फादर का नाम भी आ गया, और ये पासबुक किसके नाम पे है वो भी आ गया, कौन सा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वो भी आ गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखोगे फार्मर डिटेल्स 2 में देखोगे तो यहाँ पर नेम एज पेयर पासबुक, पासबुक में क्या नाम है वो डालोगे, और यहाँ पर एक रिलेटिव टाइप जो है यहाँ पर बहुत आदमी फंसता है, जैसे एस सन ऑफ, मान लो सन ऑफ ये SO सन ऑफ है, DO डॉटर ऑफ है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। अगर डॉटर है तो डॉटर करोगे, सन ऑफ है तो सन ऑफ करोगे, अगर वाइफ ऑफ होगा तो वो करोगे, केयर ऑफ होगा तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर ये SO रहने देंगे सन ऑफ, क्योंकि उसका बेटा का नाम, जैसे सन ऑफ करोगे तो फादर का नाम यहाँ रिलेटिव में लगेगा, ठीक है। W लगाओगे तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम लगेगा, ये याद रखोगे। तो चलिए यहाँ पर हम पासबुक में जो भी नाम है वो नाम डालेंगे।
पासबुक में जो नाम है वो डाल दिया, आधार में जो नाम था वो ऑटोमेटिक फेच हुआ है, आधार नंबर ऑटोमेटिक फेच हुआ है, चेक कर लो अगर आधार नंबर गलत है या कुछ गलत है तो सुधार करो, वेरीफाई में क्लिक करो। वेरीफाई में जैसे ही क्लिक करोगे ये वेरीफाई हो जाएगा, मतलब एडिटेबल नहीं रहेगा, आप एडिट नहीं कर सकते हो अभी से, आप बाद में कर सकते हो। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, एज ऑटो फिल होगा, एज देख लोगे सही है कि नहीं, मेल जेंडर जो भी है वो ऑटो फिल होगा। अब यहाँ कैटेगरी में आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल ओबीसी एसटी एससी जो भी है वो सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ फार्मर कैटेगरी, फार्मर कैटेगरी में खुद का जमीन है ओनर करोगे, टेंट अगर वो किराए पे जैसे सिंपल बोले तो किराए पे लिया है तो टेंट कर दोगे। अगर जैसे हमारे गांव में इधर क्या होता है भागीदारी में चास होता है, उस तरह अगर केस है तो आप यहाँ पर शेयर क्रॉपर करोगे तो यहाँ पर आप वो आ जाएगा, तो यहाँ हम ऑनर करेंगे। अब यहाँ पर फार्मर टाइप, फार्मर टाइप में देखिए अगर 2 हेक्टर है, फार्मर टाइप में देखिए अगर 2 एकड़ है तो स्मॉल मार्जिन ऑर्डर्स कर सकते हो, ज़्यादा है तो ऑर्डर्स कर सकते हो, तो स्मॉल रहने देंगे। फिर यहाँ पर देखो रेसिडेंट एड्रेस, एड्रेस पूरा डाल देना है, जैसे कि झारखंड आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया है। अब यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, मतलब यहाँ विलेज लिखा है तो विलेज जो भी आपका वो विलेज डालोगे। आपका पिन कोड ऑटोमेटिक आएगा, एड्रेस लिख देना है पूरा एड्रेस। अब यहाँ नीचे आओगे एक ऑप्शन है नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स हम बताएंगे कि नॉमिनी डिटेल्स सबका फिलअप करो। अगर नॉमिनी डिटेल्स नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ डिजायर कर दोगे, मतलब बाद में आप देख सकते हो नॉन लेटर, यहाँ पर डिजायर नॉन लेटर में क्लिक कर दोगे तो ये वाला बॉक्स जो हट जाएगा, ठीक है ना। अगर नॉमिनी डिटेल्स है तो नॉमिनी डिटेल्स डाल दो, क्योंकि मान लो कभी कुछ हो जाए इस जिसके लिए आप ये बीमा कर रहे हो, अगर कुछ उसको कुछ हो जाए तो नॉमिनी को वो पैसा मिलने वाला है, ठीक है ना, तो नॉमिनी डिटेल्स डाल देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ छूटा हुआ है वो फटाफट भर लेते हैं और सबमिट करेंगे। उसके बाद सब कुछ देखिए, हम सब कुछ डाल चुके हैं, अब क्या करना है सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, सबसे पहले देखोगे कि क्रॉप डिटेल्स, अब क्या करना है जमीन का डिटेल्स डालना है, ठीक है ना, मतलब कहाँ खेती बाड़ी करता है, क्या खेती करता है, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ डाल देना है। स्टेट ऑटोमेटिक आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक क्या है ब्लॉक डालोगे, ग्राम पंचायत क्या है ग्राम पंचायत सेलेक्ट करोगे, फिर गांव क्या है गांव सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ आ गया मिक्सिंग क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग में आपको बताना चाहूँगा, पहले बता देते हैं मिक्स क्रॉपिंग। देखो मान लो किसी का 1 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ में 2 से 3 फसल किया गया है, ये जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि मान लो किसी का 1 एकड़ जमीन है और उस 1 एकड़ के अंदर में ही उसने क्या किया है, खरीफ मतलब धान भी चास किया है, मकई भी किया है और भी कुछ किया है, तो उस हिसाब से आप मिक्स में क्लिक करोगे और मिक्स के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। देखिए यहाँ मकई आ रहा है और धान भी आ रहा है तो दोनों सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों आ गया, तो यहाँ दोनों का डिटेल्स डालना है कि आप यहाँ पर आपको ये भी बताना है। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट कर लोगे, आप जून का सेलेक्ट कर लो कोई भी महीना। अब यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर देना है, मतलब परसेंटेज देना है कि दोनों जो खेती किया है मकई और धान तो यहाँ कितना करके किया है, 70%, 30% या 50%, 50% दोनों किया है, आधा आधा दोनों किया है या कुछ कम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। मान लो हम बता देंगे कि मकई किया है 40% और धान किया है 60%, तो उस हिसाब से यहाँ लिख देंगे टोटल आ गया ये 100%, ठीक है ना। तो अभी हम मिक्सिंग का नहीं करने वाले, मिक्सिंग वाला बॉक्स हटा देते हैं, अभी हम डायरेक्ट करेंगे धान का। तो यहाँ पर देखिए क्रॉप सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ हम धान पैडी जिसे पैडी बोलता है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सोइंग डेट, डेट आपको डाल देना है, कोई भी एक डेट डाल देते हैं, या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह बोला होगा कि ये आपको इतना डेट डालना है, जो भी डेट बोला है वो डाल दीजिएगा। अभी हम जून का 27 तारीख डाल देते हैं। और सर्वे खाता नंबर, देखिए यहाँ पर खाता नंबर जरूरी है, जैसे कि प्लॉट नंबर होता है खाता नंबर, जल्दी के हमें यहाँ पर थोड़ा हम वीडियो पॉज किए थे, एक कस्टमर आया था, चलिए छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर सर्वे खाता नंबर, खाता नंबर आपको डालना है कि जमाबंदी नंबर कितना है वो डाल देते हैं, और खसरा नंबर क्या है, तो खसरा नंबर हम दिखा देना चाहते, जो भी पर्चा देगा ना, सॉरी पर्चा में भी होगा या फिर जो भी खजाना रसीद देगा उसमें देखिए खाता नंबर यहाँ लिखा हुआ रहता है, फिर यहाँ खसरा संख्या लिखा रहता है, यहाँ पर देखिए खसरा नंबर बहुत होता है, तो जो भी आपको फार्मर बता रहा है वो खसरा नंबर यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर वो बता देगा तो उसी हिसाब से खसरा नंबर यहाँ पर डाल दोगे। तो चलिए यहाँ खसरा नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है खसरा नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए एरिया इन हेक्टर, हेक्टर में आपको डालना है कि कितना हेक्टर है, तो बहुत कई लोग एकड़ में बताएगा या फिर बीघा में बताएगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये 1 बीघा कितना हेक्टर होता है या 1 एकड़ कितना हेक्टर होता है, वो सब आपको
एक वेबसाइट बता रहे हैं यहाँ पर, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले वेबसाइट में आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेट से हो आप। वो सेलेक्ट किए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ बीघा सेलेक्ट करना है। मान लो बीघा में बता रहा है तो बीघा सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर हेक्टर रहने देना है। यहाँ पर मान लो किसी ने बता रहा है हम 3 बीघा चास खेती करते हैं, तो 3 बीघा यहाँ डालोगे तो यहाँ पर हेक्टर निकल के आ गया। तो यहाँ पर यहाँ से आपको 4 डिजिट कॉपी करना है, पहले डॉट के पहले जो रहेगा वो, और उसके बाद 4 डिजिट, ठीक है ना। मतलब टोटल में 5 डिजिट रहेगा। या फिर यहाँ देखते हैं कितना ले रहा है, और जो कॉपी किए वो यहाँ पर पेस्ट करो, डाल दिए, ये आ गया। यहाँ पर जैसे हेक्टर में डालोगे यहाँ पर टोटल आ जाएगा कि प्रीमियम क्या लगेगा और फार्मर शेयर क्या है, टोटल प्रीमियम कितना रहेगा, वो सारा कुछ आ गया आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये सब डालने के बाद आपको एड क्रॉप सर्वे नंबर एंड इंश्योरेंस में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये एड हो जाएगा, नीचे देखो ये एड हो चुका है ऑटोमेटिक, जैसे एड में क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सबसे पहले आपका पासबुक, फिर लैंड रिकॉर्ड मतलब खजाना रसीद डाल सकते हो या पर्चा डाल सकते हो, और सोइंग सर्टिफिकेट और एक टेनेट सर्टिफिकेट। टेनेट वाला ऑप्शन जो आप पहले बताए थे, ये अगर आपका खुद का है तो ओनर करो, या फिर भाड़े पे लाया है तो टेनेट करो, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पासबुक देना है, और ये जो सर्टिफिकेट है सोइंग सर्टिफिकेट, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पर से डाउनलोड करोगे भर लोगे। तो यहाँ पर देखो, वो भी हम खोल के रखे हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको मिला होगा अपना ग्रुप में, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का ग्रुप होगा उसमें मिला होगा। ये आपको भरना होगा, सबसे पहले नाम, फार्मर का नाम जो खेती करता है उसका नाम, उसका पिता का नाम, जिला, ब्लॉक, ग्राम, और कितना एकड़, कितना हेक्टर में करता है। जैसे हेक्टर आपको बताइए कितना हेक्टर कैसे निकलता है, कितना बीघा में या एकड़ में भी वह निकाल सकते हो, वो सिलेक्ट करके, यहाँ एकड़ का भी ऑप्शन आता है ना, तो वो सब निकाल करके यहाँ भरना है। फिर यहाँ पर देखो, एक से ज़्यादा फसल करता है तो उसका यहाँ विवरण देना है कि जी कौन सा जिला में, कौन सा ब्लॉक में, कौन सा पंचायत में, कौन सा गांव में, और खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, फसल क्या बुआई किया है, जैसे मकई या धान जो भी है वो यहाँ पर लिखना है, और कितना हेक्टर में बोया गया, रकबा हेक्टर में यहाँ पर लिखना है। मान लो एक से ज़्यादा करता है तो उस सारा चीज़ यहाँ आपको फिलअप करना है, नीचे डेट देना है, सिग्नेचर करवाना है, और यही आपको अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट कर लेते हैं, सब कुछ रेडी है मेरा। पहले पासबुक अपलोड करते हैं, चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, अपलोड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बता रहे फाइल साइज ऑल भी 500 KB, 500 KB से कम देना होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, फटाफट इस साइज घटा लेंगे, 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ फटाफट हम यहाँ पर देखिए पासबुक शो कर दिया, हम अपलोड में क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको खजाना रसीद या पर्चा देना है, तो चलिए हमें चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम रखे हैं इसका खजाना रसीद, ये आ गया, सेलेक्ट किए और यहाँ पर अपलोड करते हैं। ये देखिए अपलोड हो गया, एक ग्रीन टिक हो गया है, खजाना रसीद आ गया है। अब यहाँ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हम आपको दिखाए, जो आपको मिला होगा, ये घोषणा पत्र सबमिट, सेलेक्ट करते हैं, अपलोड में क्लिक करते हैं, ये भी अपलोड हो चुका है, ये खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पर आपको प्रीव्यू में क्लिक करना है। प्रीव्यू में इसलिए क्लिक करना है कि आपको चेक करना है कि सब कुछ सही है कि नहीं, ये पासबुक अपलोड नहीं हुआ है, फिर से अपलोड कर लेते हैं। ये सभी फाइल अपलोड हो चुका है, नीचे आएंगे, प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ सारा डिटेल्स दिखेगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरा है। अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर दोगे, अगर सही नहीं है तो यहाँ पर देखो बैक बटन दिया गया है, बैक जा सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो एक एडिट का बटन है, आप बेहतर ये होगा कि आप एडिट वाले बटन में क्लिक करो यहाँ पर, और एडिट कर सकते हो। नीचे आएंगे हम, सबमिट करेंगे, सबमिट में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, मैक पेमेंट, तो मैक पेमेंट में क्लिक करेंगे, या फिर बाद में भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो 1 रुपया में आपका फसल बीमा योजना का, तो यहाँ पर देखो 1 रुपया में आप फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हो CAC की तरफ से। यहाँ पर आपको 28 रुपया कमीशन बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की ओर से। तो हम क्या करेंगे, इसे फटाफट पेमेंट कर देंगे, और क्या निकलता है स्लिप वगैरह वो देख लेंगे। तो पेमेंट हो चुका है, अब यहाँ पर देखो गो टू न्यू एप्लीकेशन और एक प्रिंट ऑप्शन है, तो आपको प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करके जो भी रसीद मिलता है आपको, वो आपको कस्टमर को दे देना है, मतलब फार्मर जो इस अभी अभी अप्लाई किया उसके लिए ये प्रिंट करके आपको दे देना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, नीचे आओगे ये बहुत लंबा चौड़ा है,
यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा, इसे प्रिंट में क्लिक करके प्रिंट करके दे सकते हो कस्टमर को। तो इसी प्रकार से आप फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिल गया होगा, यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है पूरी जानकारी मिल गया होगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में, नेटवर्क के साथ, तब तक टाटा।